मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टुडे संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हल करते हुए वर्कशीट तैयार करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी लिखितम, अर्थात लिखना है हमें, और क्या लिखना है, उचितम विकल्पम चिनुत, उचित विकल्प चुन करके हमें लिखना है। दो शब्द दिए हैं विकल्प के रूप में, हमें उसमें से जो राइट आंसर है उसका चुनाव करना है और हमें लिखना है। पाठ पढ़ा था हमने, अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो इसकी कहानी भी मैंने आपको दो बार सुनाई है, तो आपको वह कहानी अच्छे से याद होगी। तो आप उस कहानी को ध्यान में रखते हुए इनमें से सही शब्दों का चुनाव करना है। कह अति लोभी आसीत, बहुत अधिक लोभी कौन था, मायादास, मायादास या मुनि, तो राइट आंसर होगा मायादास, मायादास। ख मायादासस्य प्रासादम कह आगतः, मायादास के प्रासादम महल में कह आगतः कौन आया, तो मायादास के महल में कौन आया, बालिका आई या मुनि, तो मुनि आया, इसलिए हम लिखेंगे इसका राइट आंसर मुनि ही। ग मायादासस्य पुत्री किम आदाय आगच्छत, मायादास की पुत्री क्या लेकर आई, पुष्पाणी फूल, जलम जल, तो राइट आंसर है पुष्पाणी फूल। घ उद्यानात जलम आनय कह कथयति, बगीचे से जल लाओ ऐसा कौन कहता है, भूपति ही राजा या मुनि ही मुनि, तो राइट आंसर है मुनि ही मुनि कहता है, क्योंकि जब उस वह राजा बहुत अधिक लोभी था, इसलिए वह क्या चाहता था कि उसकी हर वस्तु जिसको भी वह टच करे सारी वस्तु सोने की हो जाए। तो राजा ने मुनि ने उसको वैसा ही आदेश दिया था और उसकी सभी वस्तुएं छूने से सोने की हो जाती थी। तब उसको भूख प्यास लगती थी, तब भी वह हर वस्तु के हाथ लगाता था खाने पीने की वस्तु के, तो वह भी सोने की हो जाती थी। तब उसको बहुत अधिक पछतावा हुआ कि मुझे लोभ नहीं करना चाहिए, और वह वापस से मुनि को आग्रह करता है कि मेरी जो वस्तु जो प्राकृतिक अवस्था में थी वह वापस उसी अवस्था में हो जाए। तब मुनि ने उसको ऐसा करने के लिए बगीचे में से जल लाने के लिए भेजा, तो इसलिए कहा है उद्यानात जलम आनय कह कथयति, तो ऐसा कौन कहता है, मुनि ही मुनि। भूपति ही कम सत्कारेण संतुष्ट अकरोत, मुनि ने किसको सत्कार से संतुष्ट किया या प्रसन्न किया, पहला है मुनिम मुनि को या पुत्रिम पुत्री को, तो मुनि को किया, तो राइट आंसर होगा मुनिम। एक्सरसाइज नंबर 2, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। क मायादासः जलं पातुम इच्छति स्म, मायादास जल पीने की इच्छा करता था। अब हमें जो रेखांकित पद है उसके स्थान पर हमें प्रश्न वाला शब्द लगाना है, तो उसके लिए हमें जो रेखांकित पद है उसको समझना होगा कि उसमें कौन सी भक्ति है और वचन कौन सा है। तो हमारा पहला मायादासः, यह प्रथमा विभक्ति का एकवचन का रूप है, तो हम इसके लिए किम के सर्वनाम शब्द लगाएंगे। प्रथमा विभक्ति किम का सर्वनाम शब्द होगा कह, कह जलम पातुम इच्छति, कौन जल पीने की इच्छा करता था। ख मायादासेन स्पृष्टानि वस्तुनि सोवर्णानि जातानि, मायादास के द्वारा स्पर्श की गई सोवर्णानि सोने की हो जाती, तो यहाँ पे आएगा सोवर्णानि, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है नपुंसक लिंग का, तो यहाँ पे आएगा कानी, कि मायादास के द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं किसकी हो जाती, तो सोने की, तो इसलिए यहाँ पे आएगा कानी। भूपते नाम मायादासः आसीत, भूपति अर्थात राजा का नाम है, नाम कि राजा का नाम मायादास था, प्रश्न बनता है हमारा भूपति का नाम या राजा का नाम क्या था, तो यहाँ मायादासः के स्थान पर हम लगाएंगे किम आसीत।
भूपते नाम किम आसीत। घ मायादासः अतिलोभी नृपः आसीत। मायादास बहुत लोभी राजा था, तो यहाँ पे आ जाएगा मायादासः कैसा राजा था, तो कीदृशः नृपः, कीदृशः अतिलोभी के स्थान पर आएगा कीदृशः, राजा की विशेषता बताई है इसलिए विशेषणवाची शब्द आएगा कीदृशः कैसा। नृपः राजा आसीत था। राजा सत्कारेण मुनिम अतोषयत, राजा ने सत्कार से मुनि को प्रसन्न किया। तो राजा ने किस से मुनि को प्रसन्न किया, तो किस से के लिए किम का सर्वनाम शब्द आएगा केन। राजा केन मुनिम अतोषयत, राजा ने किस से मुनि को प्रसन्न किया। अशुद्धानि वाक्यानि संशोध्य लिखतु, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ जो वाक्य दिए हैं वह अशुद्ध हैं, इसलिए हमें उसको पहचानना है कि किस शब्द में अशुद्धि है, तो उसे हम शुद्ध करेंगे। क जलम अपि स्वर्ण पिंड आभवत, जल भी सोने का पिंड हो गया। तो स्वर्ण पिंड यह पुल्लिंग के रूप में दिया है, जबकि स्वर्ण पिंड नपुंसक लिंग का शब्द है, तो हम इसे नपुंसक लिंग का बनाएंगे एक वचन में, तो यहाँ बन जाएगा स्वर्णपिंडम। जलम अपि स्वर्णपिंडम आभवत। ख मुनिः तथास्तु उक्त्वा अगच्छन्, अब यहाँ पे मुनि शब्द तो एक वचन का है और क्रियादि है बहुवचन की, तो यहाँ इसकी क्रिया में मिस्टेक है इसलिए हम इसको शुद्ध करेंगे, तो अगच्छत हो जाएगा। मुनि ने वैसा ही हो ऐसा कहकर वह चला गया, तो यहाँ पे आएगा अगच्छत। थर्ड पुत्री पुष्पान आदाय आगच्छति, पुत्री फूलों को लेकर आती हैं, तो पुष्पान नहीं होता है बहुवचन का रूप, पुष्पाणी होता है, तो हमें इसका शुद्ध रूप करेंगे पुष्पाणी। पुत्री पुष्पाणी आदाय आगच्छति। घ नृपेण स्पृष्टाः वस्तूनि सोवर्णानि जातानि, नृपेण राजा के द्वारा स्पर्श की गई वस्तूनि सोवर्णानि जातानि, तो यहाँ पे स्पृष्टाः दिया है, जबकि नपुंसक लिंग का इसलिए पूरा ही वाक्य नपुंसक लिंग का, तो हम यहाँ लिखेंगे स्पृष्टानि वस्तूनि सोवर्णानि जातानि। तस्य पुत्री प्रासादे आगतः, उसकी पुत्री महल में आई, तो यह आई आगतः शब्द पुल्लिंग के साथ आता है, आगता होगा तो यहाँ मिस्टेक है क्रिया संबंधी, तो हमें इसे शुद्ध करेंगे। तस्य पुत्री प्रासादे आगता, उसकी पुत्री महल में आई। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3 तक वर्कशीट तैयार की है, अब हमारी बची हुई एक्सरसाइज है 4th और 5th, इसके लिए हम अगली वर्कशीट तैयार करेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, कल से फिर हम 4th एक्सरसाइज से वर्कशीट तैयार करेंगे, तब तक आप हल की गई एक्सरसाइज का अध्ययन करें। धन्यवाद।